गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने टेंस टॉपिक कर रहे थे, हमारा टेंस टॉपिक चल रहा था और टेंस टॉपिक में हमने प्रेजेंट कंप्लीट किया था। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हमारा पास्ट टेंस चल रहा था, पास्ट टेंस में हमने सिंपल पास्ट टेंस भी कंप्लीट किया और पास्ट कंटीन्यूअस भी कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स होता क्या है कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है? तो स्टूडेंट्स, एक तो एंड ऑफ द सेंटेंस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है मेन वर्ब के साथ वो होती है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो या फिर प्लूरल फॉर्म में हो, दोनों के साथ ही जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी स्टूडेंट वो होगी हैड। इज दैट क्लियर? वेरी गुड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है? दिस टेंस This tense shows the action is finished. Finished in the past. ओके स्टूडेंट, दिस टेंस शोज द एक्शन इज फिनिश्ड इन द पास्ट। कि पास्ट टेंस, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है स्टूडेंट, ये पास्ट में अपने एक्शन को कंप्लीट कर चुका होता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? अब इसमें भी सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस और डब्ल्यू एच फैमिली वाले सेंटेंस इसमें इंक्लूड होते हैं। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले ही हैड टेकन food at 7 o'clock. He had taken food at 7 o'clock. Is that clear student? अब हमें क्या find करना है student? Check क्या करना है कि भी affirmative sentence है या फिर negative sentence है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले किया जाता है और एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट, एफर्मेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है कि स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, ओके स्टूडेंट, और एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप का सिंबल होता है और इसमें न तो नोट का यूज होता है और न ही स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? और यहां पर सब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात की जाए, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला बात की जाए स्टूडेंट, तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ही सब्जेक्ट है, हैड का यूज हुआ, हैड ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया है कि हैड के साथ सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों ही यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया फूड और टाइमिंग एट 7 o'clock। इज दैट क्लियर?
Next, he had not taken food at 7 o'clock. He had not taken food at 7 o'clock. तो ये स्टूडेंट हेल्पिंग वर्ब के बाद, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैड है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या दिया हुआ है, नोट का यूज किया है. इट मींस कि अगर नोट का यूज किया है इस सेंटेंस में तो ये सेंटेंस कौन सा हो गया, कौन सा बन गया, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. इज दैट क्लियर स्टूडेंट. और अब इसका जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट वो भी बिल्कुल सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट का यूज करना है. ओके, तो ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, सी प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज करेंगे तो वो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन जाएगा. ओके स्टूडेंट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप का सिंबल. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट, हैड हैड ही टेकन फूड एट 7 o'clock. I also told you student about interrogative sentence कि starting helping verb से होती है. Starting किससे होगी, helping verb से होगी, और end of the sentence क्या होगा, question mark. Okay student, तो it means this is a interrogative sentence. Okay student, अब what is the difference in three sentences, can you guess student? This is affirmative sentence, okay student, this is affirmative sentence, and next, and then negative sentence. And next, interrogative sentence. Okay, student, is that clear, student? तो ये complete हुआ. और अगर इसको interrogative और negative sentence बनाना है student, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बनाना है तो वेरी सिंपल है स्टूडेंट. क्या करना है, क्या करना है स्टूडेंट, कि सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है. अगर इस सेंटेंस का, इंटरोगेटिव सेंटेंस का अगर आप लोगों को फॉर्मूला पता है तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बिल्कुल ईजी होता है बनाने में. कैसे, हैड ही क्या है, यहां पर सब्जेक्ट है, ही इज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज होगा. हैड ही नोट टेकन फूड एट 7 o'clock, क्वेश्चन मार्क करना, सिंपल. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर हैड ही नोट टेकन फूड एट 7 o'clock इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, अब यहां पर सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना है तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ही. ओके स्टूडेंट, और ही के बाद मैंने नोट का यूज किया. अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसी सेंटेंस को अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो वेरी सिंपल है, यहां पर हैड ही नोट, नोट का यूज करेंगे तो ये
इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. ओके स्टूडेंट, अगर डब्ल्यू एच से कनेक्ट करें, इसे डब्ल्यू एच का सेंटेंस बनाएं, तो व्हाट हैड ही टेकन फूड एट 7 o'clock. व्हाट हैड ही टेकन फूड एट 7 o'clock. ओके स्टूडेंट, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली वाला सेंटेंस बन जाता है. ओके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, और ये जो भी नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट वो 10th क्लास में एग्जाम में स्टूडेंट जरूर फिल इन द ब्लैंक आता है. ओके स्टूडेंट, तो यहां पर ध्यान देना स्टूडेंट, इस सेंटेंस की स्टूडेंट जो एडवर्बियल्स होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, वो होती है बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी. ओके स्टूडेंट, तो ये इसकी एडवर्बियल्स होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की. तो नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर स्टूडेंट बिफोर दिया हुआ है तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, अब आफ्टर बिफोर, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज कर. ओके स्टूडेंट, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकेंड after, past indefinite tense, past perfect tense. अगर आफ्टर दिया हुआ स्टूडेंट, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट, टेक सम एग्जांपल्स. Mr.
संजय हैड गॉन बिफोर आई कॉल्ड हिम. मिस्टर संजय हैड गॉन बिफोर आई कॉल्ड हिम. ओके स्टूडेंट, तो बिफोर का यूज हुआ है यहां पर. ये स्टूडेंट दोनों ही फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास टेंथ के लिए. ओके स्टूडेंट, क्योंकि इनमें से जरूर फिल इन द ब्लैंक्स आता है. ओके स्टूडेंट, और ये मेथड हमें पता होना चाहिए, ये रूल्स पता होने चाहिए, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें. ओके स्टूडेंट, कि बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है और आफ्टर बिफोर पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है. तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पता होना चाहिए और पास्ट इंडेफिनेट के बारे में भी पता होना चाहिए. ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर आफ्टर दिया हुआ है, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज करेंगे और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. I took a final decision. I took a final decision after I had discussed with my father. I took a final decision after I had discussed with my father. Okay student, तो after दिया हुआ है, after से पहले हमने ये verb की second form का use हुआ है. वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कौन से टेंस में होता है? पास्ट इंडेफिनेट में. तो ये पास्ट इंडेफिनेट का एग्जांपल है, सेंटेंस है. नेक्स्ट आफ्टर के बाद हैड दिया हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इसका मतलब कि ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस. अब नेक्स्ट ये जो बिफोर दिया हुआ है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, तो हैड और गॉन. गॉन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज और प्लस में हैड दिया हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, गिवन है, तो इट मींस ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. नेक्स्ट आफ्टर बिफोर, बिफोर के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो इट मींस ये कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. ओके स्टूडेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको आप लर्न करना है, इन फॉर्मूलों को इनकी प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट. ओके, क्योंकि आई ऑल्सो टोल्ड यू कि टेंथ क्लास में जरूर इनमें से फिल इन द ब्लैंक्स आता है. ओके स्टूडेंट, एग्जाम्पल्स द पेशेंट
The patient, fill in the blank. The train. Had left. The train left. Fill in the blank. Left. After. I reached the station. We fill in the blank, played the cricket. When it started to rain. My mother my shirt before I came. स्टूडेंट, ये कुछ एग्जांपल्स लिए हमने और इनका यूज कर रहे हैं कि इस प्रकार से एग्जाम में आते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो हमें ये पता करना है कि इसमें कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज जैसे अकॉर्डिंग टू जो फॉर्मूला बताया था मैंने कि किस प्रकार से बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनेट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है।
इसमें स्टूडेंट द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर कैम द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड एट द स्टेशन वी हैड प्लेड द क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन नेक्स्ट माय मदर हैड वॉश्ड माय सेल्फ बिफोर आई कैम नेक्स्ट My mother had washed my shirt before I came. After He had written a letter He posted it After he had written a letter He posted it Okay, student. After से पहले past indefinite का use किया जाता है student और after के बाद past perfect tense का use किया जाता है Okay, student. तो इस प्रकार से जो fill in the blanks होते हैं student वो exam में आते हैं Okay, student. तो इनकी practice कीजिए और इनको अच्छे से लर्न कीजिए इन फॉर्मूलों को ओके स्टूडेंट तो आज के लिए इतना ही टेक केयर बाय फॉर नाउ और नेक्स्ट जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ओके स्टूडेंट बाय